Hey my YouTube family, welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि मैंने कहा था कि आगे modifications video आने वाली है, तो बस उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और आज हम देखेंगे कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिम्स आया जो कि मैंने लिए रॉयल एनफील्ड के, तो क्या है इस बॉक्सेस में, कैसे हैं वो रिम्स और कैसे लगेंगे हमारी क्रोम ब्लैक के ऊपर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो पूरी देखने में। और आप भी बताना कमेंट करके कि सब कुछ कैसा रहा, कैसी लास्ट में लुक आई। तो चलिए फिर खोलते हैं इन्हें, देखते हैं कि कौन से रिम्स हमने लिए हैं और कौन से रिम्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे राजा के अंदर, मतलब क्रोम ब्लैक के अंदर। तो लीजिए करते हैं अनबॉक्सिंग हमारे नए रिम्स की जो कि हमने मंगाए हैं अपने राजा के लिए। तो आप लोग रेडी हो? सो दिस इज द न्यू रिम्स फॉर अवर क्रोम ब्लैक। काफ़ी जाने पहचाने लग रहे होंगे आपको, बिकॉज ये हैं, ये आते हैं हमारी सिग्नल एडिशन के अंदर। अगर आप सिग्नल एडिशन का कोई भी कलर लेते हो, एयरबोन ब्लू या फिर स्ट्रोम राइडर, तो उसमें आपको ये मिलते हैं। तो कैसे लगे आपको ये अलॉयज, सॉरी रिम्स? तो चलो फिर अब इन्हें इंस्टॉल करने के लिए लेके चलते हैं एंड फाइनल लुक इंस्टॉल करने के बाद ही हमें मालूम होगा। सो जी हम पहुंच गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम अपना काम करवाने। अंदर बाइक खड़ी हो गई है, रिम्स खुल रहे हैं, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसे सब कुछ हो रहा है। सो लेट्स गो। तो ये टायर अब हम चेंज करने आए हैं, इसकी ट्यूब्स और टायर पूरा इस रिम के अंदर जाएगा। और साथ में धर्मपाल जी भी आए हैं, काफ़ी सहयोग किया धर्मपाल जी ने हमारा, हमारे पूरे काम की देखरेख यही करते हैं, पूरी गाड़ी का काम इनसे करवाता हूं मैं, क्योंकि तसल्ली से काम करते हैं। तो आप भी कभी विज़िट कर रहे हो नेशनल मोटर के अंदर तो आप इनसे अपना काम करवा सकते हो। तो बस अब ये चेंज हो जाएगा तो हम इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर। एक एक करके ही दोनों टायर चेंज होते हैं क्योंकि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम रहता है, हम दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते। रिंकू जी चाय लेंगे हैं, चाय बगैर काम नहीं होता, चाय सबसे जरूरी है, दिमाग ही तो ही चलेगा जब चाय होएगी। नहीं नहीं बस जी बस आप पियो। पिछला टायर हमारा खुल चुका है और फिट भी हो गया, अब अगले का टर्न है। जो दोनों डल जाएंगे तब पूरा ओवर लुक निकल के आएगा कि कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो अच्छा लगेगा, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगेगा। अब मैंने पंगा लिया तो है, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा लगता है। तो कंप्लीट होता है तब तक वेट करते हैं। तो यहाँ पे इनके पास एक और क्रोम ब्लैक मुझे दिखा, मतलब ये है तो 2014 मॉडल, लेकिन आप कंडीशन देख लो। बट मुझे इस चीज़ से ये मालूम पड़ा कि जो क्रोम है ये काफ़ी ड्यूरेबल है, मतलब इतनी ख़राब हालत के बाद क्रोम पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले ऐसे स्टिकर मिलते थे आपको रॉयल एनफील्ड के, ये 500 सीसी है, दिस इज़ 500 सीसी, बट जिसका भी है उसने बड़े ही गंदे तरीके से इसको चलाया और कोई इसकी केयर वगैरह कुछ नहीं हुई है। बट आप लोगों को फोन देखो, हाँ ये देखो कपड़ा मारने के बाद क्रोम देखो कैसे शाइन कर रहा है।
मतलब क्रोम तो ड्यूरेबल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। बाकी ये जो पेंट होता है इसको आपकी केयर करनी है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनल लुक यहाँ पे मिलता हुआ हमें, आप देख रहे होंगे दोनों टायर्स को फिट हो चुकी है, फिटिंग हो चुकी है दोनों की प्रॉपर। अभी कुछ अंधेरा हो गया है बाहर, तो प्रॉपर तो आपको नहीं पता लग रहा होगा, बट मैं आपको डे के शोर्स 20 में ऐड करूँगा एंड देन आपको एक प्रॉपर आइडिया रहेगा कैसा ब्लैक के साथ कैसा लुक आ रहा है। फिलहाल के लिए आप एक बार इसका वो कराऊं देख लीजिए, डे के शॉर्ट्स भी मैं सुबह लूंगा, देन आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। चलो कुछ सुबह मिलते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मॉर्निंग में भी आपको बाइक दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है। तो बाइक राजा हमारे जस्ट पीछे खड़ा है, तो चलो फिर एक ओवरव्यू देखते हैं और आप बताना कमेंट करके कि कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो चलो फिर देखते हैं। सो आपके सामने है ब्लैक रिम्स के साथ क्रोम ब्लैक कॉम्बिनेशन, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ऊपर। आप लोग भी देखो और बताओ कि कैसा ओवरव्यू आ रहा है, मतलब बाइक और ज़्यादा बल्की लग रही है मुझे पर्सनली, मैं बताऊं तो ये जो मॉडिफिकेशन थी ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल साबित होती हुई दोस्तों। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करवाने की सोच रहे हो तो आप रॉयल इनफील्ड के सर्विस स्टेशन जाके ये वाले रिम्स का पता कर सकते हो गाइज, वहाँ से आपको एक ये वाला ऑप्शन मिल सकता है। तो आप भी जाके अगर आपको पसंद आता है तो आप भी अपनी बाइक में
सेम मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। अब स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट, वो भी काफ़ी बड़ा होगा। एंड तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, बिल्कुल मिस मत करना कोई भी वीडियो, क्योंकि बाइक टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।